है ना, क्योंकि हम कल समझा चुके हैं, थोड़ा सा समझाएंगे क्योंकि हम लोग का हुआ था मध्यांश तक मेडुला ओब्लिगेटा, मतलब आज स्पाइनल कॉर्ड समझाना है। इसके बाद हम लोग दूसरा तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे समझाएंगे। अब जो चार्ट बनाया था वो चार्ट फिर एक बार हम बना देते हैं, जिससे थोड़ा सा समझाने में दिक्कत ना जाए। ये हम लोग लिख चुके थे, ये हम लोग लिख चुके थे, फिर मिड ब्रेन भी मैंने बता दिया था आपको, तो आप बताएंगे अब, ठीक है। इधर का किधर का याद है, मैं इधर ही का पूछ रही हूँ, बताइए मिड ब्रेन क्या काम करता है, क्या प्रेजेंट होता है, मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है, क्या काम होता है। मार लो रट्टा तो मारते हो बैठ के दिन भर, बताइए कैसे दोगे 100 नंबर का टेस्ट। और क्या पाया जाता है इसमें, इसमें कुछ लोभ नुमा संरचना होती है, नाम क्या है उसका, उस लोभ नुमा संरचना का। हमने बताया था कि मिड ब्रेन में कार्पोरा कॉर्डिजेमी नामक 4 लोबनुमा संरचना पाई जाती है, जो हमारी देखने और सुनने के कार्य में क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। चलिए अब आते हैं हाइंड ब्रेन, चलिए आप बताएंगे हाइंड ब्रेन। हाँ बताइए क्या काम है हाइंड ब्रेन का, कितने पार्ट हैं, पहले तो पार्ट बता दीजिए। हाइंड देख के नहीं बताना है, देख के नहीं बताना है, है ना, बिना देखे बताना है। आप तीनों में से कोई भी बता दीजिए, कॉपी बंद करके, लेकिन आप नहीं आए थे। हाँ आप बीच में बताइए, आप दोनों में से कोई भी बताइए, क्या कितने पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के, बातें नहीं, कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मध्यांश होता है ना। दो पार्ट हमने बताए थे, सेरिबेलम और आपका मेडुला ओब्लिगेटा, है ना। हाइंड ब्रेन के दो भाग बताए थे आपको, सेरिबेलम और आपका मेडुला ओब्लिगेटा। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका, रुचि, रुचि ठंड नहीं लग रही, नहीं लग रही, चलो ये बताइए सेरिबेलम का क्या काम है, क्या करता है, मूवमेंट करने में, और कुछ भी करता है, कौन सा मूवमेंट। अच्छा बैठो, अभी मुझे राइट आंसर नहीं मिला, आप बताइए क्या करता है सेरिबेलम, मतलब। हाँ चलो आप बताएंगे मेडुला ओब्लिगेटा क्या करता है, पाचन, हाँ उत्सर्जन, इन सब में। चलो इतना हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, आप सबको याद डाल लीजिए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हम शायद नहीं लिखाए थे आपको, तो अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको लिखना है, क्या है एक बार फिर से समझा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला ओब्लिगेटा से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जो कि हमारे इधर यहाँ मस्तिष्क के सबसे पीछे पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु का एक काम है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, मेरुरज्जु का एक खास काम है प्रतिवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का क्या करते हैं, ये नियंत्रण करने का काम। अभी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये समझिए। किसी भी ऐसी क्रिया जो हमारे शरीर में अचानक से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो आपके सोचने समझने पे उत्पन्न नहीं होती, जो अचानक से उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा एक्शन जो हमारे शरीर में अचानक से हो, सडनली होती है, वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कांटा लगने पे पैर का हट जाना, कैसा होता है कि कांटा लगने पे इंतजार करते हैं, सोच लें हटाऊं कि ना हटाऊं, ऐसा नहीं होता ना। तो कांटा लगने पे अचानक से पैर का हट जाना, जैसे छींक आना, खांसी आना, ठीक है, और आपका जैसे हो गया रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आना,
कोई भी पसंद है चीज उसको देख के मुंह में पानी आना, खाने वाली चीज और भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई। ये कैसी क्रियाएं हो गई, प्रतिवर्ती क्रियाएं, कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में अचानक से होती हैं। अब अचानक से होंगी तो उनका भी तो कोई ना कोई कंट्रोलर होना चाहिए, जिससे वो कहीं ज्यादा ना हो। तो इसलिए वो कंट्रोलर कौन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था मार्शल हॉल ने। किसने पता लगाया था, मार्शल हॉल ने, ठीक है। किसने पता लगाया था, मार्शल हॉल ने पता लगाया था, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। एक दो शायद और रह गए थे, हाँ वैसे वो मेरी तरफ से कंप्लीट ही है, लेकिन एक दो होंगे तो चलो ढूंढ लेना, है ना। चलो लिखिए, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से एक डोरी नुमा संरचना जुड़ी रहती है। एक डोरी नुमा संरचना, डोरी नुमा पतली धागे नुमा संरचना जुड़ी रहती है। डोरी नुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। संरचना जुड़ी रहती है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। इस भाग में मेरुरज्जु पे लिखे, इस भाग में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। नियंत्रण आपका कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है। इस भाग में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है। लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में थोड़ा सा, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में लिखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया डाल के लिखे, ऐसी क्रिया जो शरीर में अचानक से संपन्न होती है। प्रतिवर्ती क्रिया पे लिखे, ऐसी क्रिया जो शरीर में अचानक से संपन्न होती है, शरीर में अचानक से संपन्न होती है, शरीर में अचानक से संपन्न होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। लिख लिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। आगे लिखेंगे, इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है, इनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इसके बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल ने बताया था, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, मार्शल हॉल ने बताया था। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल डाल के लिखे, प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल डाल के लिखे। लिखेंगे, सुई चुभने पर पैर का अचानक से हट जाना। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना। इसको जो पसंद हो, किसी किसी समोसा देख के भी लार आ जाता है। कुछ लोग तो फुल्की देखे, क्या कहूँ।
चलो है ना, अगला लिखिए, धमाके की आवाज सुनकर मुंह का खुल जाना। होता है ऐसा ना, कहीं पे ब्लास्ट हो जाए तो आप आपका रिएक्शन कुछ और ही होगा, कुछ लोग तो भागने भी लगते हैं ना। चलो, धमाके की आवाज सुनकर मुंह का खुल जाना आदि आदि हो गया। चलिए अब अपने आते हैं पीएनएस पे। चलो ये आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट, आपका सीएनएस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीएनएस के बारे में। हमने बताया था कि पीएनएस में हमारे दो भाग हैं, है ना, कौन कौन से, कपाली तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस याद रखना है पीएनएस हमारा दो भागों में बंटा होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है क्रेनियल कपालीय तंत्रिका और दूसरी होती है आपकी मेरुरज्जु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिका, अरे गलत ही हो गया, मेरुरज्जु तंत्रिका। ठीक है, अब इसमें है क्या, पीएनएस जो होता है हमने बताया था कि हमारे शरीर में जो पूरी तरह से ये जो तंत्रिका तंतु फैले हुए हैं उनको संयुक्त रूप से हम पीएनएस पे रखते हैं। दो प्रकार की तंत्रिकाएं हमारे शरीर पे हैं, एक कपाली तंत्रिका और एक होती है मेरुरज्जु तंत्रिका। कपाली तंत्रिका को क्रेनियल बोलते हैं, मेरुरज्जु को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। जो कपाली तंत्रिका होती है, पेपर में पूछी जाती है इसकी संख्या, तो याद रखेंगे मानव शरीर में कपाली तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी होती है आपकी, 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी। ठीक है, और इनका भी काम वही है, सीएनएस के पास ले जाना, मतलब जो सूचनाओं को ले जाना और वहां पे जाके जो सूचनाएं मिलती है उनको दोबारा वापस लेके आना। तो थोड़ा सा लिखिए पीएनएस डाल के, पीएनएस डाल के लिखिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं पीएनएस को, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है यह, हाँ, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है, निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, कपाली तंत्रिकाएं, पहला डाल कर लिखेंगे कपाली तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। देखिए मनुष्य में, हाँ नर्व्स, कपाली तंत्रिकाएं लिखिए, मनुष्य में 12 जोड़ी, ये इसकी संख्या याद रखेंगे, पेपर में आता है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है, कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती है। यह शरीर में सूचनाओं को, यह शरीर में सूचनाओं को, सूचनाओं को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है, ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है, ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है, ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है। दूसरा लिखेंगे मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, हाँ बस इसमें संख्या बस पूछा जाता है, ठीक है, और काम भी बता ही दिया है, काम एक ही है इन लोगों का। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं लिखिए, स्पाइनल नर्व्स, मनुष्य में, मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है,
मनुष्य में 31 जोड़ी 31 31 जोड़ी मेरुजो तंत्रिकाएं पाई जाती है। वही है ना, वही है, मतलब ये पेने से ही तो भाग गए। मेरुजो तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी पाई जाती है। और इनका भी काम वही है, आपके सूचनाओं को ले जाना, सूचनाओं को ले आना। ये पूरे शरीर में फैली हुई है और इन्हीं से मिलके हमारा क्या बनता है? आपका पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप लिखिए एएनएस, एएनएस। हाँ वही, ले जाना ले आना, एक ही काम है इन दोनों का। चलिए आप एएनएस, एएनएस के कितने भाग बताए थे आपको? कौन कौन से? अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक होता है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एनएस जो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारे शरीर में होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कैसे क्रियाओं का? अनैच्छिक क्रियाओं का, मतलब ऐसी क्रिया जो हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित ना की जा सके, वो क्रियाएं कैसी होती हैं? अनैच्छिक। ठीक है, तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने एग्जांपल वाइज आपको बताया था कि अचानक से हृदय गति का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, है ना, रक्त आपके कह सकते हैं कि आरबीसी की भी संख्या कभी कभी अचानक से बढ़ जाती है, जितना मतलब जिसमें आपका नियंत्रण नहीं है, वो सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। और उनका नियंत्रण किस भाग से होता है? हमारे एएनएस से होता है। एएनएस टू टाइप होते हैं, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। ये जो अनुकंपी और परानुकंपी है, सेम वही काम करते हैं जो इसका काम है, जो इसका काम है, बस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। परानुकंपी बढ़ाने का काम ज्यादा करता है, जैसे हृदय गति को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है। ठीक है, आप किसी चीज से टेंशन ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई, ऐसे मतलब जो होते हैं जिनको होता है ब्लड प्रेशर वाला, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आरबीसी की संख्या कभी कभी ज्यादा हो जाती है, और भी अन्य क्रियाएं हैं जो आपके शरीर में जो बढ़ रही है। तो जस्ट यहाँ पे अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा? वहां पे घटाने का काम होगा। मतलब उसे अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या हो सकता है? आपकी जो वेसल्स है वो फट जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर फट जाएंगी, है ना। हृदय स्पंदन ज्यादा तेजी से होगा तो काम फिर इतना तेजी से तो नहीं हो पाएगा जितना तेजी से वो स्पंदन करेगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और कौन होता है? परानुकंपी। ये दोनों होना जरूरी होता है बॉडी में, और बैलेंस का भी काम कौन करते हैं? हाँ, ये दोनों ही मिलके करते हैं। बस ये बढ़ाएगा अगर तो ये घटाएगा, ये घटाएगा तो ये बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? और काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। काम एक ही है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, नियंत्रण कभी बढ़ा के कभी घटा के। चलिए लिखिए एनएस डाल के, एनएस डाल के लिखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले लैंगली ने बताया था। लैंगली ने बताया था, लैंगली ने बताया था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में सर्वप्रथम लैंगली ने बताया था। यह मुख्यतः, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, ऐसा लिखिए, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पहला लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। लिखेंगे पहला डाल के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पे लिखेंगे, जिसकी अनुकंपी को बोलते हैं सिंपैथेटिक और पराअनुकंपी को बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक। चलिए लिखे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पे, यह तंत्र
यह तंत्र तंत्रिका तंतु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ते हैं तथा यह अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करते हैं यह ऐसे में लिखना है आगे, यह अधिकतम क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य करते हैं जैसे 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 अब मतलब चार पांच लिखाते हैं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे पहला नंबर डाल के लिखे, श्वेत ग्रंथि से पसीने का अधिक स्त्रावण कराना सिक्रीशन कराता है, ठीक है। स्वीट ग्लैंड से स्वीट का क्या करता है, अधिक सिक्रीशन कराता है, अधिक स्त्राव। मतलब आप कभी किसी चीज से अगर डर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पसीने आने लगते हैं, होता है ना ऐसा, बहुत तेजी तेजी से पसीने आने लगते हैं, तो ये आपके कौन काम कर रहा होगा, ये वाला काम कौन कर रहा होगा, आपका अनुकंपी, ठीक है। दूसरा हृदय स्पंदन का बढ़ना, वो कौन बढ़ा रहा है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन का बढ़ना। चलो अगला लिखिए ब्लड प्रेशर का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, वो भी कौन कर रहा होगा, अनुकंपी, ठीक है। रक्तदाब का बढ़ना, अगला लिखिए श्वसन दर का बढ़ना, श्वसन दर का बढ़ना, जानते हो ना श्वसन दर कि नहीं जानते, रेस्पिरेटरी, अब क्या बताएं हम, श्वसन दर का बढ़ना। अगला लिखे अचानक से, नहीं ऐसा लिखेंगे, रुधिर में या ब्लड में आरबीसी की संख्या का बढ़ना, करेगा सेम इसी का उल्टा करेगा, ठीक है। लिखे परानुकंपी डाल के, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पे लिखे, लिखेंगे यह क्रेनियल नर्व से बना हुआ होता है, तंत्रिका तंत्रु या कपाली तंत्रिका से बना हुआ होता है। ये हिंदी और इंग्लिश में ना आप उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा, सुनना करिए पहले उस लैंग्वेज को सुना करिए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ कपाली तंत्रिकाओं से बना होता है, क्रेनियल नर्व से बना होता है। सुन लिया, लिख लिया, कपाली तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियल नर्व। अब अलग अलग कैसे हुआ, हम बाहर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। कुछ है जिनको कपाली समझ में ही नहीं आता तो मुझे क्रेनियल बोलना पड़ता है, क्या करूं, है ना। तो समझो, नहीं आपके लिए भी अच्छा है, हम कपाली बोल रहे हैं, आप क्या पता पेपर में कपाली ना के क्रेनियल आ जाए तो क्या करेंगे फिर, दोनों चीज को समझना है ना आपको। चले लिखे, कुछ कपाली तंत्रिकाओं से बना होता है। चले अब लिखे कार्य, लिखे इसके कार्य, लिखे जैसे
कार्य लिखिए, जैसे जैसे अब सेम सबका उल्टा लिख डालो, जो जो लिखाया होगा। पहले क्या लिखाया था? उसको जब बहुत ज्यादा निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उसको कम करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो कम करने का काम कौन करेगा? परानुकंपी होगा, नहीं तो दिन भर कपड़े ही चेंज करोगे। यही होगा ना। तो एग्जांपल लिख लीजिए, पहला नंबर डाल के श्वेत ग्लैंड से निकलने वाले पसीने के स्त्रावण को कम करना। जब तक हम लिखाएंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं। लिखिए, श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले, श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले पसीने के स्त्रावण को कम करता है। श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले पसीने के स्त्रावण को कम करता है। स्वीट ग्लैंड से निकलने वाले स्वीट के सिक्रीशन को कम करता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखाया था उसमें? हाँ, तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए दूसरा नंबर डाल के हृदय स्पंदन हार्ट बीट को कम करता है। हृदय स्पंदन को कम करता है। अब अगला लिखो, तीसरा क्या लिखा था उसमें? ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो इसमें लिखिए तीसरा, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, रक्त दाब को कम करता है, वो बढ़ाएगा तो ये घटाएगा। अगला क्या लिखा था? तो चौथा लिखिए, इसमें चौथा लिखिए श्वसन दर को कम करता है। जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो तो फिर आप धीरे धीरे कुछ देर बाद आप धीरे धीरे लेने लगते हैं, तो ये कंट्रोल कहाँ से हुआ? परानुकंपी से। ठीक है, और पचमा क्या लिखा था? तो अगला लिखिए आरबीसी की संख्या को कम करता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोमिया, पॉलीसिथीमिया। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? पॉलीसिथीमिया। और बहुत कम हो जाती है तो एनीमिया। मतलब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर में? चलिए, ये आपका यहाँ पे सीएनएस पीएनएस ये होता है आपका खत्म। ये पूरी तरह से खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? आप लिखो फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है आपको। ये वजन लिखा दिया था, मस्तिष्क का वजन है ना, 1400 ग्राम। लिखे स्टार पॉइंट बना के मस्तिष्क की, स्टार पॉइंट बना के लिखिए मस्तिष्क की, मस्तिष्क की, मस्तिष्क की गतियों को, मस्तिष्क की गतियों को एवं उनके आवेगों को, इम्पल्स को, मस्तिष्क की गतियों को, मस्तिष्क की गतियों का मतलब मस्तिष्क गति नहीं कर रहा, उसमें जो नर्व्स हैं उनकी गतियों को, है ना, गतियों को तथा उनके आवेगों को, इम्पल्स को किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं बताइए? ऐसा कुछ देखा होगा ना, किसी ने कभी रिपोर्ट देखी है? ईसीजी की ईईजी, ईईजी। चलो लिखो ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोग्राम। बस ई कहाँ गया बीच वाला? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो आगे बढ़ो। स्नोफिलग्राम लिखिए, स्नोफिलग्राम। अब ये कभी कभी ग्राम और ग्राफ में है कि कहीं ग्राम दे देता है कहीं ग्राफ दे देता है, लेकिन इसका नेम याद रखिएगा, इलेक्ट्रो स्नोफिल ग्राम कहते हैं। ग्राम से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक और चीज लिखो, सेकंड
आपका क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, नहीं नहीं ऐसा लिखना रुकना, तंत्रिका कोशिका लिखे, तंत्रिका कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसका जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसका जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, जिसका जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, जिसका जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। अब ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे मस्तिष्क में जब ये सारी चीजें, जब हमारे नर्व्स जो हैं अगर काम करना बंद कर देते हैं तो कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे मिर्गी आना, और आपके जैसे ये थोड़ा सा मेंटली जो आप हो जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो क्यों होते हैं आपके इसमें डिस्टर्बेंस होने के कारण, आपके मस्तिष्क के जो नर्व्स हैं वो काम नहीं करते, वहां पे ब्लड नहीं पहुंचता, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा, और ब्लड मस्तिष्क के जिस भाग में ब्लड नहीं पहुंचेगा वो वाला भाग क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इस कारण से लोगों में कई सारी मस्तिष्क से संबंधित क्या होती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? जैसे ही आप लगभग जो बोलते हैं आप पैरालिसिस जो बोलते हैं तो वो कोई और चीज नहीं होती है, आपके मस्तिष्क में, जैसे हमने बताया कि मस्तिष्क का काम ही है हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रत्येक भाग पर कंट्रोल करना। आप कंट्रोल करने वाला ही अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब वो वाला भाग हमारा काम करना बंद कर देगा। और हमने ये भी लिखा है आपको कि हमारे शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण मस्तिष्क के बाएं भाग से, और हमारे बाएं भाग का नियंत्रण मस्तिष्क के दाएं भाग से। लिखाया है क्या? नहीं, नहीं लिखाया है क्या? नहीं। लिखो चलो लिखो, हो गया। प्रामस्तिष्क के स्टार पॉइंट बना के अलग से लिख लीजिए। प्रामस्तिष्क को मुख्यतः दो भागों में प्रामस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, पढ़ने के लिए ऐसे नहीं है ना, विभाजित किया जाता है, पहला बायां भाग दूसरा दायां भाग। पहला बायां भाग लिखिए, पहला बायां भाग लेफ्ट साइड और दूसरा दायां भाग राइट साइड, ठीक है। बाएं भाग पे लिखिए, मेरे को लगा लिखा दिया होगा उसी पे लिखा है, नहीं तो लिखिए बायां भाग डाल के, पहला नंबर डाल के लिखिए बायां भाग, बायां भाग पे लिखिए। इस भाग से प्रामस्तिष्क के बाएं भाग पे लिखना है आपको, प्रामस्तिष्क के इस भाग से शरीर के दाहिने भाग का नियंत्रण होता है, शरीर के दाहिने भाग का नियंत्रण होता है। लिख लिया, बायां मस्तिष्क क्या करेगा, हमारे शरीर के राइट साइड का पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक। अगला लिखिए दायां भाग, बायां भाग हो गया, अब लिखेंगे दूसरा दायां भाग राइट साइड पे लिखिए। यह प्रामस्तिष्क के, नहीं ये मैं लिखेंगे, सॉरी रुकिएगा, यह प्रामस्तिष्क के इस भाग से शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण होता है, प्रामस्तिष्क के इस भाग से शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण होता है, शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण होता है, मतलब दाएं से बाएं का नियंत्रण और बाएं से दाएं का नियंत्रण, हो गया ना। तो अगर हमारे मस्तिष्क का बायां भाग काम करना बंद कर दे तो कौन सा भाग हमारे शरीर का झटकेगा, दायां वाला, और दायां मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो किधर इफेक्ट पड़ेगा, बाएं वाले पे। मैं ये समझाना आपको चाह रही थी, आ गया समझ में सबको? तो ये हमारा मस्तिष्क होता है खत्म।